के जो फैट सोल्युबल उनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा जितनी चीजें बचती हैं, जैसे वाटर है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या शुगर्स है, या अन्य चीजें जो भी हैं, वो सब एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड की कैपिलरी में, ब्लड में। अब यहां पर एक साथ क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक साथ अगर ब्लड में अगर एब्जॉर्ब होने लगेगा फैटी एसिड अगले साल वगैरह, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उसकी उसके सतह पर या लेयर पर फैट फैल जाएगी, जिसकी वजह से बाकी चीजों का एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इसको अलग अलग एब्जॉर्प्शन करने का तरीका बनाया गया। अब ये जो एब्जॉर्ब हुए फैटी एसिड ग्लिसराल या विटामिन ए डी के जो फैट सोल्युबल है, ये इसके अंदर फैटी एसिड ग्लिसराल वगैरह चले जाते हैं लैक्टेज के अंदर, और जा करके इसकी जो सेल्स पाई जाती है उन सेल्स में पहुंच जाती है। उन सेल्स के अंदर ये सबसे पहले ईआर में पहुंचते हैं, ईआर में कुछ कन्वर्जन करता है, उसके बाद गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं। तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि फैटी एसिड तो ग्लिसराल वगैरह छोटी छोटी स्मॉल ड्राफ्ट को ऊपर से प्रोटीन की कवरिंग चढ़ा देता है, प्रोटीन कोट बना देता है, तो उनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। और वो काइलोमाइक्रॉन्स जो है एक प्रकार से नई ड्राफ्ट फैट की वो बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और बाकी चीजें हमने बता ही दिया, माउथ में सम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में वाटर, शुगर और एल्कोहल तथा कुछ ड्रग्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसराल स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मैंने बताया है कि वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स, दी प्रोडक्ट डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ सेकंड पार्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, कि हम लोग ये कहते जानेंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है उस पर रेगुलेशन कौन कर रहा है, हाउ रेगुलेट द डाइजेशन प्रोसेस। तो यहां पर रेगुलेशन दो टाइप से बताया गया है, एक कंट्रोलिंग होती है न्यूरल कंट्रोलिंग और दूसरी कंट्रोलिंग होती है हार्मोनल कंट्रोलिंग। तो न्यूरल कंट्रोलिंग और हार्मोनल कंट्रोलिंग, न्यूरल कंट्रोलिंग कैसे होती है स्टूडेंट, जैसे हम किसी भोजन को देखते हैं आंख से या स्मेल करते हैं या टेस्ट लेते हैं, तो इन चीजों से हमारी सलाइवा बढ़ जाती है, हमारी सलाइवा बढ़ जाती है, यानी सलाइवा का सिक्रीशन इन चीजों से ही बन जाता है। अब आंख से देख रहे हैं इसका मतलब साइट, स्मेल कर रहे हैं नोज से तो, या टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट बर्ड से, तो इसकी वजह से हम लोगों में जो सलाइवा का सिक्रीशन है बढ़ जाता है। तो सलाइवा क्या करता है, उससे टाइलिन एंजाइम निकलता है या म्यूकस निकलता है या लाइकोजेंस निकलते हैं, सब तरह तरह की चीजें निकल करके मिक्स होने लगती, इससे पता चलता है कि न्यूरल कंट्रोलिंग चल रही है। और जैसे मान लीजिए हम स्टमक के पार्ट में जाते हैं तो स्टमक के पार्ट में गैस्ट्रिक नामक हार्मोन निकलता है वहां से, तो ये हार्मोनल कंट्रोलिंग हो जाती है वहां पर, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोलिंग। लेकिन न्यूरल कंट्रोलिंग में ये बताया गया है कि साइट, स्मेल और टेस्ट, तो इसकी वजह से फॉर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा ये बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन डन बाई न्यूरल मैकेनिज्म, जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकलते हैं वो भी न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू निकलते रहते हैं। तो ये तो हो गया न्यूरल कंट्रोलिंग। अब सेकेंड आता है हार्मोनल कंट्रोलिंग। हार्मोनल कंट्रोलिंग कैसे होती है स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे इंटेस्टाइन में सही हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स में भोजन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे कुछ हार्मोन भी निकलते रहते हैं, और हार्मोन सूचना देते रहते हैं कि कब कौन सा एंजाइम निकलता है निकलना है, कौन सा जूस निकलना है। जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक नामक हार्मोन निकलता है तो ये जाकर के स्टमक की दीवार में जाकर के वो एक्साइट करता है, तो वहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें अस्थिया निकलता है या जाइमोजन ग्रैंड से या पेप्टिक ग्रैंड से या जो तरह तरह की ग्रैंड है वहां से पेप्टिनोजन है या प्रोरेलिन है, ये सब निकलना चालू हो जाते हैं, यस्या निकलना चालू हो जाता है वो गैस्ट्रिक हार्मोन की वजह से। दूसरा, जब ड्यूओडेनम वाले पार्ट में पहुंचता है भोजन, तो ड्यूओडेनम वाले पार्ट में वहां पर पहुंच करके वहां पर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे सेक्रेटिन, पॉलीसिस्टोकाइनिन, इंट्रोगेस्टेरोन, इंट्रोप्राइनिन, ये हार्मोन निकलते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। जैसे पॉलीसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर में पहुंच गया जाकर के,
और वहां से बाइल जूस निकालने के लिए कह दिया, या सेक्रेटरी पहुंच गया जाकर के उसमें पैंक्रियास में, पोलिसिस्टोकाइन पैंक्रियास में भी जाता है पैंक्रियाटिक जूस निकालने के लिए, इंट्रोगैस्ट्रान गैस्ट्रिक वाले पार्ट में चला जाता है वहां पे एक्साइट करता है जाकर, इंट्रोकाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है वहां पर उसको एक्साइट करता है। इसका मतलब ये है कि हारमोन्स के द्वारा भी कंट्रोलिंग होती है, तरह तरह के एंजाइम को निकालने में हारमोन भी मदद करते हैं। तो स्टूडेंट देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग फॉर डाइजेशन प्रोसेस, न्यूरल कंट्रोलिंग एंड हार्मोनल। नाउ थर्ड पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो तरह तरह के डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। जैसे इनमें पहला डिसऑर्डर है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस, राउंड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म, ये कुछ ऐसे पैरासाइट पाए जाते हैं जिनके इन्फेक्शन से हम लोगों की इंटेस्टाइनल वॉल में जो है इन्फ्लामेशन प्रोसेस हो जाती है, ये नुकसान करने नुकसानदायक होती है, हार्मफुल होती है। सेकेंड जो हम स्टडी करते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस में आप लोग टेस्ट कराते होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बिलरुबिन टेस्ट कराता है आपकी आई नेल या स्किन वगैरह जो है एलोविश हो जाती है, पीलापन आ जाता है। पीलापन किस वजह से होता है, वाइट पिगमेंट पाए जाते हैं ब्लड में घूमा करते हैं उसकी वजह से होता है। हमारा लीवर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, लीवर में जो है लीवर का इन्फेक्शन होता है, या इन्फेक्शन इन लीवर, तो या इन्फ्लेमेशन हो जाता है लीवर में, स्वेलिंग आ जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि बाइल डक्ट जो होती है बाइल डक्ट बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो जो पिगमेंट वगैरह निकल करके आ रहे हैं बाइल ड्यूब के साथ वो वहीं से आना बंद हो जाती है ड्यूब्लम वाले पार्ट में। तो अब क्या होता है कि गॉल ब्लैडर से रिवर्स होने लगता है, ब्लड में ही पूरा जितनी चीजें हैं वो बाइल पिगमेंट वगैरह ग्लोबुलिन वगैरह वो सब रिवर्स होती है और पूरे बॉडी में हमारी घूमती रहती है, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन एलोविश हो जाती है, आई हो जाती है, नेल्स वगैरह हो जाते हैं, टंग वगैरह हो जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि हम लोगों में जॉन्डिस है, हम लोग इसको टेस्ट कराते हैं ग्लोबुलिन टेस्ट और उससे पता चल जाता है, तो डॉक्टर उसकी जो मेडिसिन है वो दे देते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है। थर्ड डिसऑर्डर है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या है, हम लोग जो है जो स्टमक में भरा हुआ भोजन होता है वो बाहर कभी कभी मुंह से बाहर निकल आता है, माउथ वाले पार्ट वोमिटिंग, ये इसको बोलते हैं इजेशन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक थ्रू माउथ, जो हमारे स्टमक में कंटेंट होते हैं फूड के कंटेंट वो माउथ के द्वारा इजेशन हो जाता है बाहर निकल आते हैं। तो ये सामान्य होता है, सामान्य घटना है, जनरली आप लोगों के भी कभी कभी हुई होगी और सबके हो जाती है वोमिटिंग, या कोई चीज़ ऐसी हमने खा लिया है जो हमारे बॉडी को एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं वोमिटिंग। नेक्स्ट डायरिया। डायरिया आप लोगों ने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों में हो जाती है या कभी कभी बड़े लोगों में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जानते हैं छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। फीसेस जो होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये कुछ मूवमेंट की वजह से होता है। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, जो फीकल मैटर या फीकल डिस्चार्ज है तो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और बोवेल मूवमेंट जो होते हैं उसमें जो है एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो छोटे बच्चों में ऐसी स्थिति देखी गई है, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है, मिनरल्स निकल जाते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है, इसीलिए बच्चों को तुरंत मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं, बच्चों के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बच्चों में, और अगर बड़े लोगों में तो उस हिसाब से किसी MD डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही समय पर अगर इनका इलाज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हो गया तो भी आंखें गड्ढे में भी जा सकती हैं और वो आदमी बिल्कुल फस्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है, बिल्कुल लुंजपुंज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कभी कभी जो हमारा रेक्टम वाले पार्ट में जो जहाँ पर फीकल मैटर कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, तो वहाँ पर जो है पानी की मात्रा घट जाती है या म्यूकस की मात्रा घट जाती है तो वो जाम हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है बिल्कुल जाम हो जाता है, तो आगे बढ़ नहीं पाता।
तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वाली स्थिति बन जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब इन दिस प्रोसेस इन दिस डिसऑर्डर द फीसे आर रिटेन विद इन द रेक्टम एज द बोवेल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली, यानी इरेगुलर बोवेल मूवमेंट होने की वजह से या म्यूकस की कमी की वजह से या वाटर की कमी की वजह से ऐसी कंडीशन आ जाती है कॉन्स्टिपेशन, वो जम जाता है, तो जमने की वजह से आगे अनडाइजेस्टेड फूड बढ़ नहीं पाता है, तो ये भी एक परेशानी का कारण, वहां दर्द चालू हो जाता है रेक्टम वाले पार्ट में और आदमी जो है असहज महसूस करने लगता है, तो फिर डॉक्टर कोई कोई मेडिसिन के थ्रू या एनीमा के थ्रू या अन्य कोई जो प्रोसेस अपनाते हैं जिसके माध्यम से उसको डिस्चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है अपच, कहते हैं लोग कि अपच हो गई हमारे, कहीं ज्यादा खाना खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, ज्यादा दिक्कत आ गई। द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड ड्यू टू द लो एंजाइम सिक्रीशन, या तो एंजाइम कम से कम निकल रहे हैं तो डाइजेशन नहीं हो पा रहा, रात में कभी कभी टाइम ज्यादा हो जाता है, खाना खाने का टाइम 10 बजे का है और कोई खा रहा है 12 बजे 1 बजे 2 बजे शादी विवाह में या किसी इस तरह के अवसर में, तो वहां पर इनडाइजेशन वाली प्रोसेस बन जाती है। इसके अलावा एंजाइटी, चिंता है बहुत ज्यादा, टेंशन में है कोई, बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसमें भी ये कंडीशन बन सकती है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है या स्पाइसी फूड, कभी कभी बहुत ज्यादा तले भुनी चीजें हम लोग यूज कर लेते हैं, कुछ लोगों का शौक होता है कि तेल वाली चीजें ज्यादा यूज करते हैं, तो खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन ये भी सोच करके काम करो कि उनका डाइजेशन प्रॉपर होता रहे हमारे बॉडी में, और अगर डाइजेशन नहीं हो पाता तो खाने का क्या मतलब है, वो जाकर के बॉडी में डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टूडेंट इस पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पार्ट में हमने पूरी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टडी की, सेकंड रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन स्टडी किया, और थर्ड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया। तो ये तीन पार्ट है, इसमें तीन टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस पार्ट में स्टडी कर चुके हैं, और तो हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और अगर कोई आपको कोई डाउट वगैरह हो तो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने के पहले हमारे इसमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, या कोई चीज़ डाउट है जो क्लियर नहीं हो पा रही है तो उसमें कमेंट करके डाल सकते हैं, जिससे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ के विषय में समझा करके तब आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।